कन्या माताएं दूर दूर से आई हुई हैं। क्लास 5 बजे पूरा हो जाना चाहिए ना, ये आधा घंटा और भी चलेगा है? अरे यहाँ डर डर के नहीं बोलो, यहाँ बांधेली माताएं नहीं हो है? आप तो यहाँ रहेंगे, सब थोड़े ही रहेंगे, जो बांधेली है वो कैसे रहेंगे? वार्तालाप भाई लोग ज्यादा चलाते हैं, माताएं तो ज्यादा चलाती नहीं, इसलिए पूछ लिया। कैमरे का लाल बल्ब नहीं, सामने वाले कैमरे का लाल बल्ब, ये पर्दा हटा दें तो बढ़िया है, बस बस चलेगा। हाँ जी शांत हो जाइए, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, जाइए। बाप की प्रत्यक्षता बताइए, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष त्रिमूर्ति का, त्रिमूर्ति में तीनों बाप हैं या सिर्फ बाप एक मूर्ति है? तीन मूर्तियों में जो बाप का पार्ट है वो एक मूर्ति में है या तीनों ही बाप की मूर्तियां हैं? एक मूर्ति है, तो एक मूर्ति में बाप की प्रत्यक्षता भी तब हो पाती है जब उसका आधार प्रत्यक्ष हो। बाप का आधार कौन होता है? अरे परिवार में बाप किसका आधार लेता है जो परिवार तैयार होता है? तो माँ के बगैर बाप की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती, इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है शिव में पार्वती समाई हुई है, पार्वती में शिव समाया हुआ है, शिव से पार्वती अलग नहीं हो सकती और पार्वती से शिव अलग नहीं हो सकता, इसलिए बाप की प्रत्यक्षता में माता की प्रत्यक्षता समाई हुई है। इसलिए लक्ष्मी नारायण के चित्र में घोषणा की गई थी, मुरलियों में भी घोषणा की गई थी, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ तब इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। 66 की मुरली है, उल्टा चक्कर घुमाएंगे तो 66 से पीछे पीछे जाते जाते 5000 वर्ष के चक्कर तक पूरा न घुमाएं, 10 वर्ष पहले ही रुक जाएं, तो कौन सा स्थान आवेगा? 76। तो 76 में लक्ष्मी नारायण दोनों का प्रत्यक्षता रूपी जन्म साबित हो जाता है। वो हमारे माता पिता हैं। है 2008 में वैष्णवी की प्रत्यक्षता, 2008 में वैष्णवी की प्रत्यक्षता। हाँ जी वैष्णवी की प्रत्यक्षता सही है। हाँ 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 समझ नहीं पाया। क्लियर नहीं हुआ, समझ नहीं पाया। पहली मूर्ति ब्रह्मा, ब्रह्मा की जो मूर्ति प्रत्यक्ष हुई ब्राह्मणों की दुनिया में, पहले पहले प्रत्यक्ष हुई ना, पहली मूर्ति की प्रत्यक्षता और दूसरी मूर्ति की प्रत्यक्षता, उसमें अंतर साबित होता है। पहले की मूर्ति की प्रत्यक्षता
कब हुई है? 47-48 में पहली मूर्ति प्रत्यक्ष हुई, 36 में प्रत्यक्ष नहीं हुई, वो भी तभी ब्राह्मणों ने पहचाना है या नंबर वार ने पहचाना? नंबर वार ने पहचाना। ऐसे ही दूसरी मूर्ति की प्रत्यक्षता 75 में है, लेकिन सभी ब्राह्मणों ने पहचाना है एडवांस पार्टी में, या कुछ गिने चुने थे जिन्होंने नंबर वार पहचाना? गिने चुने थे जिन्होंने नंबर वार पहचाना। ऐसे ही ये तीसरी मूर्ति विष्णु है, 2008 में जो विष्णु के वंश वाले होंगे अर्थात राधा के वंश वाले होंगे वो पहचानेंगे या सारे ब्राह्मण परिवार के पहले पहचानेंगे? है राधा के चंद्रवंशी पहले पहचान, चंद्रवंशियों में भी सब चंद्रवंशी पहचानेंगे या कोई दो चार ही पहचानने वाले होंगे? है दो चार ही पहचानने वाले होंगे। टाइम जैसे जैसे बीतता जाएगा, विष्णु वाली आत्मा जो वैष्णवी शक्ति है, जो ब्रह्मा का 5 सिरों में से एक मुख्य सिर गाया हुआ है, प्रैक्टिकल जीवन के द्वारा स्थापना का कार्य करती है ब्राह्मणों की दुनिया में और पालना का भी कार्य करती है, सुनने सुनाने के द्वारा नहीं, समझने और समझाने के द्वारा नहीं, काय के द्वारा? सुनने सुनाने समझने समझाने के साथ साथ क्या विशेष कार्य करती है वो मूर्ति? प्रैक्टिकल जीवन में आचरण करके दिखाती है। तो उसमें ज्यादा मेहनत का काम है या कम मेहनत का काम है? और ही ज्यादा मेहनत का काम है। इसलिए ब्रह्मा की मूर्ति तो फिर भी जल्दी प्रत्यक्ष हो जाती है, शंकर की मूर्ति भी समझने समझाने का जो रुद्रमाला का पाठ है बुद्धि का, तीसरे नेत्र का, वो 76 से लेकर के 2004 तक चलता है, चारों युगों की शूटिंग होती है, उसके बाद जैसे पहली मूर्ति के लिए टाइम नुदा हुआ है, दूसरी मूर्ति के लिए टाइम नुदा हुआ है, 3-4 वर्ष लग जाते हैं, ब्रह्मा के लिए भी 8 वर्ष लग गए, शरीर छोड़ने के बाद टाइम लग जाता है। 2004 में रुद्रमाला की शूटिंग का कार्य पूरा होता है, समझने समझाने का जो भी ज्ञान था शिव बाबा ने दे दिया, उसके बाद 4 वर्ष लगते हैं। और प्रत्यक्षता की शुरुआत हो जाती है, उसका प्रूफ है कि अव्यक्तवाणी में ये बात की भी बोल दिया गया उसी समय कि जो असली सेवा करनी है वो कौन से देश ने शुरू की है? अफ्रीका में। और वो अफ्रीका में वो चंद्रवंश की मुखिया जो सर्वसेवल आत्माओं के बीच में एक हीरा ही कहे, वहां सेवा में रत है, क्योंकि अच्छे अच्छे हैंड्स कलयुग के अंत में विदेश में भेजे जाते हैं, हद की दुनिया में भी
जो जहीन भारतवासी हैं वो विदेशों में जाना शुरू हो गए। आज भी भारत का जहीन वर्ग पढ़ने लिखने के बाद विदेशों में जा रहा है या भारत में रहता है, विदेश में जा रहा है। ये तो दुनिया की बात हुई, ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये नियम है। क्योंकि जो अच्छे अच्छे हैंड्स हैं, प्योरिटी के आधार पर श्रेष्ठ माने जाते हैं, चरित्रवान हैं, वो विदेशी सेवा के निमित्त बनाए गए हैं और उनकी परीक्षा भी है। अफ्रीका जैसे जंगली लोगों के बीच में ब्राह्मणों की दुनिया में रह करके पाठ बजाना और वहाँ सेवा की वृद्धि कर देना और इतनी जास्ती वृद्धि कर देना जितनी दुनिया में कहीं भी नहीं हुई और उसका रिजल्ट निकाल लेना, बड़े से बड़े तबके वालों को भी झुका लेना, ये उसी आत्मा का कार्य है जिसके लिए अव्यक्तवाणी में बोल दिया जो असली सेवा है वो अफ्रीका ने करना आप शुरू किया है। उस चीज का पहले मर्ज होती है और बाद में ही मर्ज रूप में बाहर आती है। तो ऐसे नहीं है कि लक्ष्मी के नाम रूप से संसार में जो भरने वाली आत्मा है वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म सन 76 में नहीं लेती है, वो भी लेती है लेकिन वो पवित्रता की आगार है। ब्राह्मण जीवन के दो विशेष लक्ष्य हैं, पवित्र बनो, योगी बनो। तो पवित्र बनने का जो कार्य है वो उस आत्मा के अंदर जन्म जन्मांतर का अनुदा हुआ है। वरों संभु न तुरहु कुंवारी, उसे कोई बड़ा भारी कार्य नहीं लगता, बड़ा कार्य नहीं लगता, बड़ी मेहनत का काम महसूस नहीं होता। प्योरिटी के आधार पर जो परमात्मा को विशेष प्रिय बात है ऐसी पवित्र आत्माओं को परमात्मा बाप साक्षात्कार कराते हैं। जैसे भक्तों को टाइम टू टाइम नौदा भक्ति करने वाले भक्तों को साक्षात्कार होते रहे और साक्षात्कारों के आधार पर वो आत्माएं बहलाई जाती हैं, वो अव्वल नंबर भक्ति है, अव्वल नंबर सीता है, तो साक्षात्कार नहीं करेगी? साक्षात्कार के आधार पर उसमें उमंग उत्साह नहीं जागेगा क्या? जागेगा, ज्ञान नहीं है, ज्ञान की अंधी है, लेकिन प्योरिटी में पवित्र है। तो परम पिता बाप और दादा उस आत्मा को बहलाते हैं, साक्षात्कार के आधार पर उसमें उमंग उत्साह संक्षिप्त से ही बढ़ रहा है। साक्षात्कार होता है लेकिन वो साक्षात्कार दूसरों को, दूसरी आत्माओं के सामने साबित नहीं किया जा सकता क्योंकि सारा बेसिक ब्राह्मण परिवार विरोधी है, इसलिए वो बात मुख से बाहर नहीं आ सकती लेकिन अंदर अंदर वो सुख महसूस तो किया जा सकता है। तो महसूस होता है, मर्ज रहता है, आखिरीन सभी तो इमर्ज होगा। तो वो इमर्ज होता है 2008 के बाद,
ये टाइम नुदा हुआ है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोली मतलब आपको पहचानो हैं अपने आप को पहचानने मतलब हम लोग भी सामने ला रहे हैं विदेश से आ गए हैं पटना में प्रवचन हाँ जी हाँ जी और हाँ जी स्वर्ग में देवताओं को शरीर छोड़ने से पहले सब सत्कार होता है। हाँ जी है? हाँ पवित्र आत्माएं हैं। बाबा तो कहते हैं कि सरकार की चाबी मेरे पास रखती है जो द्वापर के बाद काम करती है। द्वापर के बाद काम करती है? द्वापर से काम करती है, उसके बाद उससे पहले काम नहीं करती है? मुरली में तो आया है देवताओं को साक्षात्कार होता है, बूढ़े होंगे शरीर छोड़ने से पहले साक्षात्कार होगा। अब मैं जाकर के जन्म लूंगा। हाँ भी आया है वो बात अलग है, लेकिन ऐसे तो नहीं कि सत्य त्रेता में साक्षात्कार पवित्र आत्माओं को साक्षात्कार हो सकते हैं कि नहीं है? और देवताएं बुद्धू होते हैं, बुद्धिमान होते हैं या पवित्र होते हैं? पवित्र को साक्षात्कार हो सकता है। द्वापर युग के बाद भी जो आत्माएं फर्स्ट क्लास भक्त होती है, बुद्धि भगवान में ही लगी रहती है, भक्ति अभिविचारी होती है, नौधा भक्ति करती है, तो पवित्र बुद्धि होगी या पवित्र, इसलिए उनको साक्षात्कार होते हैं। और हाँ जी आज मुरली में आया है कि शिव तो ना मंत्री बनता है ना सेनापति बनता है। हैं? शिव शिव बाबा शिव बाप हाँ न मंत्री बनते हैं ना सेनापति बनते हैं। हाँ तो बाबा क्या कहा जाता है कि राष्ट्रपति मिले? वो तो सदगुरु है, है? जो राष्ट्रपति बनता है वो साकार है या निराकार है? है पति, पति जो होता है वो साकार होता है या निराकार होता है? मेरा नाम शिव, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं। और मुझ आत्मा शिव के बच्चे वो सब आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, मैं उनका बाप हूं, दूसरा कोई संबंध नहीं। क्या है? है? वो आत्मा आत्मा भाई 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 बहन भी नहीं है, भाई भाई है, तो पति कैसे हो गया? दूसरे संबंध तब बनते हैं जब कोई शरीर में प्रवेश करता है। अब वो राष्ट्रपति ही नहीं बनता है, इससे आगे भी कुछ बनता है, है? विश्वपति भी बनता है, सारे विश्व का पति बनता है, सारे विश्व की एक एक आत्मा, चाहे नास्तिकों का नास्तिक ही क्यों न हो, अंत समय में वो भी अपना झंडा नीचे गिरा देगी जब महाकाल सामने देखेगी कि मेरा भी मौत आने वाली है, सामने खड़ी है, तो उसके मुंह से भी निकलेगा ओ गॉड फादर। और
हाँ जी संगम है। अरे तुम तो बेसिक में पहुंच गए। बेसिक में बेसिक नॉलेज लेने में जो बेसिक स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रश्न करते हैं वो ही प्रश्न करना शुरू कर दिया। अरे भाई शिव ज्योति बिंदु चेंज हो सकता है कि नहीं? उसके संस्कार चेंज हो सकते हैं ज्ञान सुनाने के? हैं? चेंज हो सकता है? अच्छा पांच तत्व उनका पार्ट चेंज हो सकता है? हैं? अग्नि जल का काम करना शुरू कर दे, जल आकाश का काम शुरू कर दे, ऐसा परिवर्तन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो न आत्मा का पार्ट, न परमपिता परमात्मा का पार्ट और न पांच तत्वों का पार्ट चेंज हो सकता। इसलिए ये षष्ठी चक्र को ज्यों का त्यों घूमना है। जो जहां से आया है 5,000 वर्ष के बाद चक्कर काटते 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 कहाँ पहुँचना है? वहीं पहुँचना है। आप में से कोई ऐसा है जो अपने घर से आया हो घर वापस न जाए? है? सबको जाना ही जाना है। तो ऐसे ही आत्माओं का वो घर है। मनुष्य आत्माओं की बात छोड़ो, जो भी कीड़े मकोड़े पशु पक्षी पतंगे छोटे छोटे कीटाणु एक बूंद खून में मलेरिया के ढेर कीटाणु उनमें भी आत्मा है। वो आत्माएं सब अपना चक्कर काटते काटते कहाँ पहुंचेंगी? सबको अपने घर वापस जाना ही जाना है। कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हाँ क्या बोला है? क्या अरे घर में लड़ाई लड़ती है तो बहुत जोर जोर से लड़ती है। क्या बाबा मुरली बोल रहे हैं कि अंदर से किने के भी या बाहर से ना किने के हाँ। जो कमजोर होता है अबला होता है उस अबला की यही निशानी है कि अबलाएं कुब जाएं अहिल्याएं अंदर से पहचान लेती है। लेकिन लोकलाज से इतनी डरती है कि बाहर से पहचानने से इनकार कर देती है। अंदर से प्यार है लेकिन जब लोकलाज सामने आती है तो साफ इनकार कर देती है। ये लोक है लोगों की दुनिया। ये लोग हैं रावण संप्रदाय। अभी एक भी राम संप्रदाय नहीं है।
राम की घरवाली भी उसकी घरवाली नहीं है। वो भी उसका सहयोग नहीं दे सकती। जो पहला पत्ता है वो ही सहयोगी नहीं है। कभी सहयोगी है और कभी सहयोगी नहीं है। आत्म की स्थिति में आता है, संघ के रंग में आता है तो सहयोगी, और बच्चों में प्रवेश करने जाता है तो असहयोगी, बच्चों से प्रभावित हो जाती है माता। इसलिए बोला तुम सब हो भक्तियां, भक्तियां कहां से आती हैं, भक्तियों को जन्म कौन देता है, रावण जन्म देता है। तो जन्मदाता ज्यादा पावरफुल या रचना ज्यादा पावरफुल है, रचयिता ज्यादा पावरफुल है, रचना कमजोर पड़ जाती है। ब्रह्मा है रचना, यज्ञ के आदि में बुद्धि ले जाइए, ब्रह्मा है रचना, रचयिता है बाप, वो रचयिता निराकारी स्टेज वाला है या साकारी स्टेज वाला। जब उसने रचना रची तो साकारी स्टेज में रची या निराकारी स्टेज में है? अरे कोई वृक्ष होता है, छोटा पौधा होता है, एक दो पत्ते होते हैं, फिर बड़ा होता है, ढेर के ढेर पत्ते हो जाते हैं, रचना विस्तार को पा जाती है। और विस्तार को पाने के बाद उस वृक्ष में फिर वही बीज प्रत्यक्ष होता है, जो फूल से फल बनता है, फल के अंदर बीज आता है, और बीज अपने को पहले पहले सारे झाड़ से डिस्कनेक्ट कर देता है, कनेक्शन तोड़ देता है। वही बीज बाप कहा जाता है। आज भी खेती का ये नियम है, फलों के पौधे लगाए जाते हैं उनका ये नियम है कि वृक्ष में जो पहला फल आता है, उस पहले फल का जो पहला बीज होता है, वो नई खेती के लिए रिजर्व करके रखा जाता है। ये कहां से सीखा है? संगम युग से सीखा गया। ये ब्राह्मणों की दुनिया में ये फाउंडेशन पड़ता है। बीज पावरफुल है, तो वृक्ष भी उतना जास्ती विस्तार को पा देगा। इसकी पहली रचना पावरफुल होनी चाहिए। तो रमजान के महीने एक महीना द्वितीया को मनाया जाता है। हाँ जी, बहुत क्या है उसका नाम क्या है? है राम का ही जान है ये महीना, राम की जान। उनका जो तीर्थ स्थान है, उस एक तीर्थ स्थान का नाम भी है रामल्ला। क्या नाम है?
राम अल्लाह, राम को लाने वाला, प्रत्यक्ष करने वाला। ये जो महीना वो मनाते हैं वो अमावस्या के बाद ही शुरू होता है। क्या? जब अमावस्या की शुरुआत होती है, अमावस्या खत्म होती है, तो कौन सी तिथि की शुरुआत होती है? है दूज। और एक महीने तक लगातार चलता है। कब तक चलता है? एक महीने के बाद कौन सी तिथि आती है? दूध से पहले क्या होता है? है वही अमावस्या। ये राम के महीने से जुड़ा हुआ है। शिव बाप ब्राह्मणों की दुनिया में कब प्रत्यक्ष होता है? है 70 में। उस समय चंद्रमा ब्रह्मा की रात्रि कहें या ब्रह्मा के दिन कहें? है ब्रह्मा की रात्रि। उसके बाद सन 87 में क्या कहें? है सन 87 में क्या कहा जाए? रात्रि कहें या चंद्रमा रोशनी में आना शुरू हुआ? रोशनी में आ गया। पीपल के पत्ते पर कृष्ण की आत्मा ज्ञान गर्भ में बड़े आराम से बैठी हुई है, कोई दुख नहीं। लेकिन वो पत्ता मजार में पड़ा हुआ है, विषय सागर में पड़ा हुआ है। वहां से इस्लाम धर्म की जो बीज रूप आत्मा है, कौन है? है वही राम के चार भाई जो 76 में प्रत्यक्ष होते हैं। सीढ़ी के चित्र में नीचे लिखा है 40 वर्ष। 40 वर्ष सन 76 में पूरे होते हैं और ऊपर चार भाई दिखाए गए हैं। 86 में उनमें से एक काले कपड़े वाला इस्लामी धर्म का बीज दिखाया गया है। वो आत्मा ब्राह्मणों की एडवांस पार्टी में ज्ञान की रोशनी का बीज आरोपण करती है। पहले जब वो ज्ञान की रोशनी का बीज आरोपण करती है तब सन 87 में कृष्ण की आत्मा दूज के चंद्रमा के रूप में प्रत्यक्ष होती है। हुई या नहीं हुई? है तो फाउंडेशन कौन से देश से लगता है? वो बीज रूप आत्मा भारत में कौन से स्टेट से सेवा की शुरुआत करती है? जो एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मणों की बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। है दिल्ली, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत है भारत का विदेश, और विदेश में भी है कर्नाटक।
क्या? कर्नाटक, जहाँ से ढेर की ढेर आत्माएं आना शुरू होती है। में जाकर के वो ही आत्मा जब ज्ञान की अच्छी वृद्धि हो जाती है, ज्ञान की अच्छी वृद्धि होती है तो युद्ध शुरू होता है। उस युद्ध को अर्ध विनाश कहें यह संपूर्ण विनाश के है, आधा विनाश होता है। इसलिए द्वापर में कृष्ण को दिखाया है, और अवसान भी होता है एडवांस पार्टी में। कलयुग की शूटिंग कब पूरी होती है? है 2004 में। और 2004 में जब कलयुग की शूटिंग पूरी होती है तो ब्राह्मणों की दुनिया में प्रैक्टिकल में जो पार्ट बजाने वाली माया है वो तंग आ जाती है, घबरा जाती है या नया जन्म धारण करती है, है घबरा जाती है, अंत हो जाता है। कि पूरा महीना है, अमावस्या के अंत से ही शुरू होता है, अमावस्या के अंत तक ब्रह्मा की रात्रि पूरी होती है। दिन तब निकलता है जब सूर्य निकलता है, लेकिन सूर्य से भी पहले कौन निकलता है? लालिमा। तो लालिमा कौन है? है कौन बताए? उषा। वो पार्ट कौन सा है ब्राह्मणों की दुनिया में? है है ब्राह्मणों की दुनिया में वो पार्ट कौन सा है जो उषा कहा जाता है? महाकाली का पार्ट उषा का है। उषा कैसे रंग की होती है? है लाल रंग की होती है। और महाकाली काले काले रंग की होती है। सूर्य डायरेक्ट है कालिमा में प्रत्यक्ष नहीं होता। सूर्य से पहले कौन प्रत्यक्ष होती है? लालिमा। लालन पालन करने वाली है क्या? कौन है लालन पालन करने वाली? है हाँ जी, जिसके लिए अभी भी बोल रहे हैं अभ्यक्तवाणी में, इसका आवाहन करो, है विजय माला का आवाहन करो। क्यों नहीं कहा? काली माँ का आवाहन करो। बोला है? नहीं बोला। जब काली माँ की मार काट चलेगी उस समय विनाश शुरू हो जाएगा या रुका हुआ होगा? है उसमें तो असुर हाहाकार करेंगे चारों ओर। ये उषा काल है, अज्ञान की रात्रि भागने वाली है। ये अमृत वेला है, अमृत वेला में क्या बरसता है? है अमृत बरसता है। अमृत पवित्र मुख से बरसता है या अपवित्र मुख से बरसता है?
है, पवित्रता से होती है स्थापना और अपवित्रता से होता है विनाश। विजयमाला तैयार हो रही है या नहीं हो रही है? निमित्त कौन है? अरे निमित्त कौन? लालिमा। लालिमा प्रत्यक्ष होती है तो चंद्रवंश से पहले प्रत्यक्ष होगी या दूसरे वंश में प्रत्यक्ष होगी? चंद्रवंश में पहले प्रत्यक्ष होगी। और टकराती किससे है? है अंधकार से टकराती है। अंधकार कौन से रंग से दिखाया जाता है? कौन सी माता है और कौन से धर्म में दिखाई जाती है? काला चोंगा पहने हुए इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में वो माँ काली का रूप है। वो करती है विनाश, इसलिए मुरली में बोला है पहले ये इस्लामी तो मरे। बाहर की दुनिया में मरेंगे स्थूल मौत से और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे मरेंगे? अनिश्चय रूपी मौत से। महाकाली मार काट मचाती है, कौन सी ताकत से विनाश करती है? कौन सी ताकत से विनाश होता है? इम्प्योरिटी से होता है विनाश और प्योरिटी से होती है स्थापना। ममता चाहिए, लालन पालन चाहिए स्थापना के लिए। उस प्योरिटी की बीज कौन है? है अरे लाली माँ जो है, जो छोटी माँ है वो पवित्रता का आधार मूर्त है या बीज मूर्त है? आधार है तो उसका कोई बीज भी होगा या नहीं होगा? है वो बीज है रुद्रमाला में होगा या विजयमाला में होगा? रुद्रमाला में। वो कौन है? है काशी नगरी। अरे इस क्षेत्र के वासियों को तो जल्दी पहचानना चाहिए। है काशी नगरी नजदीक है या दूर है? नजदीक ही तो है। और है राम जी रावण बन जाएंगे। है कृष्ण कंस कैसे बनता है? अंत में राम रावण। अरे हम पहले ये पूछ रहे कृष्ण कंस कैसे बनता है, बनता है कि नहीं, कैसे बनता है? हाँ कैसे बनता है? अपवित्रता माने कौन सी आत्मा ऐसी अपवित्रता करती है जो कंस बन जाती है? हाँ हाँ ब्रह्मा क्या क्या कर्म करती है? हाँ गीतापति भगवान समझती है तो भगवान का काम है संग के रंग से पतितों को पावन बनाना। और पतितों को पावन बनाने के लिए उसे देवी देवताओं की आत्मा इकट्ठी करनी है या असुरों को इकट्ठा करना है? देवता धर्म की आत्माओं को ही इकट्ठा करना है, उनमें से भी चुनिंदा आत्मा चाहिए।
वो ज्यादा पवित्र होंगी या कम पवित्र होंगी? है दुनिया की ज्यादा पवित्र आत्माएं होंगी, उनकी संख्या ज्यादा में ज्यादा कितनी होनी चाहिए? नहीं, 9 लाख तो प्रजा है, हाँ राज परिवार की होनी चाहिए, यथा राजा तथा प्रजा। वो राज परिवार की 16,000 आत्माएं हैं, 16,108, जो सारी दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली है। कितनी? 16,108 आत्माएं, देव आत्माएं, जो कन्वर्ट होकर के असुर बन जाती है। उन पवित्र आत्माओं को वो हिरण्यकश्यप क्या करता है? उसका नाम हिरण्यकश्यप क्यों पड़ा है? सोने जैसी सच्ची सच्ची आत्माओं को कंट्रोल कर लेती है, पी लेती है, उनकी प्योरिटी को भी पी लेती है। यज्ञ के आदि में भी ऐसे ही था, परंतु जब बाद में धोबी घाट का बंडाफोड़ हुआ, आदि में झगड़ा हुआ था यज्ञ में, है हुआ था। झगड़ा होने का कारण क्या होता है? है कोई ना कोई इम्प्योरिटी। तो जो इम्प्योरिटी थी वो भाग खड़ी हुई। जब झगड़ा शुरू हुआ एंटी पार्टी, तो ब्रह्मा बाबा सिंध हैदराबाद छोड़ के कहाँ चले गए? अकेले कराची में चले गए, इतने डर गए। और सच्चाई तो फिर भी अडिग रहती है या भाग खड़ी होती है? अडिग रही। देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। ये तो शिव बाबा का कार्य है। आज में भी दोनों आत्माएं निमित्त थी, धोबी घाट में और अंत में भी है, दोनों आत्माएं हैं, धोबी घाट में मौजूद हैं। लेकिन एक आत्मा है देह अभिमान का पार्ट बजाने वाली, देह अभिमानी गधा, जिस निराकारी स्टेज को धारण करना चाहिए शरीर में रहते, वो नहीं करती है। और दूसरी आत्मा कर्म करते हुए भी क्या प्रैक्टिस करती है? निराकारी स्टेज को धारण करती है। तो द्वंद युद्ध हो जाता है। जो युद्ध चल रहा है अभी भी, किसने प्रश्न किया था? जवाब मिल गया? आपने प्रश्न क्या किया था? हाँ तो प्रश्न का जवाब मिला। कंस कौन बनता है? हम एक बात जो पहले प्रश्न किया, प्रश्न में जवाब दिया, कंस कौन बनता है? कंस बन जाता है कि हमें 16,000 पतितों को पावन बनाए देना है अपने संग के रंग से। 16,000 जब राज परिवार की आत्माएं पावन बन जाएंगी मेरे संग के रंग से, तो रिजल्ट क्या होगा? यथा राजा तथा प्रजा पावन बन जाएगी। क्या ये सत्य बात है? है?
ये सत्य बात नहीं है। गधे के संग के रंग से 16,108 आत्माएं पति से पावन नहीं बनेंगी, इसके संग के रंग से बनेंगी। है वो मुकर्रर रथ चाहिए जिसमें प्रवेश करके शिव बाप ऐसी निराकारी स्टेज बनाता है कि कर्मेंद्रियों का संग होते हुए भी देह अभिमान का लेश मात्र न लगे, संग का रंग लेने वालों को भी निराकारी स्टेज का अनुभव हो, देह अभिमानी स्टेज का अनुभव न हो। अरे शूल इंद्रियों का संग का रंग तो छोड़ो, टेलीफोन से या मोबाइल से बात करते समय भी अजीब सा अनुभव हो, दुनिया भूल जाए, निराकारी स्टेज बन जाए, सारे संकल्प भूल जाए, ऐसा अनुभव हो। तो दोनों काम साथ साथ होते हैं, एक तरफ 16,000 गोप गोपियों के लिए कृष्ण क्या बन जाता है, कंस बन जाता है, एकदम पतन की स्टेज में ले जाता है, दूसरी ओर राम क्या बन जाता है, राम उतना ही सख्त बन जाता है, रावण का रूप धारण कर लेता है। 16,000 आत्माओं में सबसे कमजोर आत्मा भी कोई होगी या नहीं होगी, है कौन होगी? सोलह हजार आत्माओं में सबसे कमजोर आत्मा कौन सी होगी जो द्वापर युग के शुरू होते ही होते ऊपर से आने वाले इब्राहिम के आने के साथ ही साथ कमजोरी में आ जाती है? है कुमार का या उसका साथी जिसमें इब्राहिम प्रवेश करता है, उस देहधारी को जन्म देने वाला कौन है? अरे उस देहधारी को जो सेकंड नंबर का नारायण है, सेकंड नंबर के धर्म पिता को जन्म देने वाला है, वो कौन? ब्रह्मा नहीं, हर बात में ब्रह्मा बिते जाते है नहीं, उसको जन्म देने वाला है जो चार बीजों में से इस्लाम धर्म का बीज है, वो उसको जन्म देने वाला है। और इस्लाम धर्म को भी जन्म देने वाला कौन है, बीज को? ग्रैंड फादर। तो वो उनका भी बाप हो गया। अब ज्यादा कमजोर कौन है, ज्यादा पावरफुल कौन है? तीन है आत्माएं, एक आधार मूर्त जिसमें इब्राहिम प्रवेश करता है, क्योंकि जो उस समय की सबसे कमजोर आत्मा होगी उसी में ऊपर से आने वाला इब्राहिम प्रवेश करता है, औरों में नहीं प्रवेश कर सकता, और उसको जन्म देने वाला उससे ज्यादा पावरफुल होगा कम पावरफुल? ज्यादा पावरफुल। और उसको भी जन्म देने वाला उससे भी ज्यादा पावरफुल। तो द्वापर के आदि में इस्लाम धर्म का भी राज्य का फाउंडेशन डालने वाली भी आत्मा है और धर्म का फाउंडेशन डालने वाली भी आत्मा मौजूद है। जो सबसे ज्यादा पावरफुल है
कलयुग के अंत में जाकर के वो सबसे ज्यादा पावरफुल और क्रूर बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। जैसे एक राजा का बच्चा हो और दो चार प्रजावर्ग के बच्चे हो, और प्रजावर्ग के बच्चे और राजा का बच्चा सब मिलकर के कुसंग में घुस जाएं, तो कुसंग से ज्यादा कौन गिरेगा? राजा का बच्चा ज्यादा गिरेगा। उसी तरीके से राम वाली आत्मा जब अंतिम 7 दिन का जो विनाश होता है, मूसलाधार बरसात का विनाश होता है, एटमिक विस्फोट होते हैं, उस अंतिम विनाश के टाइम पर बुद्धि को घुमाने वाली आत्मा ऐसी पावरफुल चाहिए जो सारे संसार का विनाश कर सके। सिर्फ 4.5 लाख को छोड़ करके, जो गीता में कहा है कि स्वरूप निष्ठ आत्मा सारे संसार का विनाश करने की निमित्त बन जाए तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लग सकता। तो कौन स्त्री इतनी पावरफुल, इतनी अभ्यासी आत्मा बनेगी निराकारी स्टेज की, जो सारी दुनिया का विनाश कर दे? सारी दुनिया के जितने भी असुर हैं जो देवान को नहीं छोड़ते हैं, अधूरे रह जाते हैं, 16 कला संपूर्ण नहीं बनते हैं, 4.5 लाख की लिस्ट में नहीं आते हैं, साप का विनाश कर दे। कौन हो सकती है? है? अरे वो आत्मा कौन हो सकती है? एक ही आत्मा हो सकती है, इसलिए कह दिया राम ही रावण बनता है। जब इतना भयंकर विनाश होगा तो सारी दुनिया को रुलाने वाला कौन हुआ? वो निमित्त बनता है। जो 100% रुलाने का निमित्त बनेगा वही 100% हंसाने का भी निमित्त बनता है। और सपना तुम देखती रहो, कुछ पूछ रहा हो तो पूछो। हाँ, अब सबको दिखा दिखा कि क्या कर रही हो, जाओ निकलो। हाँ जी, है? हाँ, है? क्यों, उसका कोई नहीं है बड़ा? उसको गोद में पालने वाली कोई नहीं है आत्मा? कौन है? राम वाली आत्मा गोद में पालती है असुरों को। फिर बार बार भूल जाते। हाँ, 16108 जो है उनमें 8 सूर्यवंशी हैं पक्के या कच्चे, उनको क्यों ले लिया? कान पकड़ो। चलो, भूख लग रही सबको।